अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा लेक्चर हेल्दी बॉडी के बारे में है। इस टॉपिक में हम बैलेंस्ड डाइट, अनबैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज के फवायद के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एक वीडियो देखते हैं जिससे आपको आज के लेक्चर के बारे में कुछ आइडिया हो जाएगा। अच्छी सेहत और मतवाजन ग़िज़ा। साफ सुथरा माहौल, मुनासिब और मतवाजन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और मुनासिब नींद अच्छी सेहत के ज़ामिन है। हमें क्या कुछ खाना चाहिए? चिकनाई, घी, तेल, गोश्त, दूध, दही और मक्खन, फल, सब्जियां, दालें और बीज। अच्छी सेहत के लिए हम सब्जियां, दालें, फल, गोश्त, मक्खन और दूध वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर हमारे जिस्म को तंदुरुस्त तवाना रखती हैं। ऐसी खुराक जिसमें सब्जियां, गोश्त, मक्खन और दूध वगैरह मुनासिब मकदार में शामिल हो, मतवाजन ग़िज़ा कहलाती है। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही सोचा। हम आज बैलेंस्ड डाइट, अनबैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस्ड डाइट के बारे में बात करने के लिए किताब का मुतालिया करते हैं। ऐसी ग़िज़ा जिसमें हमारे जिस्म की ज़रूरियात के तमाम अज़ा शामिल हों, सेहत बख्श ग़िज़ा कहलाती है। सेहत बख्श ग़िज़ा हमारे जिस्म की नशोनुमा और उसे मजबूत बनाने में मददगार साबित होती है। सेहत बख्श ग़िज़ाओं में सब्जियां, चावल, गंदम का आटा, दालें, फल, गोश्त, दूध और उनसे तैयार की गई अशिया शामिल हैं। शक्ल 1:18। ज़रूरत से ज़्यादा खाना सेहत के लिए मुफीद नहीं होता। आइए अब एक वीडियो की मदद से बैलेंस्ड डाइट के बारे में और जानते हैं। जी तो बच्चों, आपको ये वीडियो देखकर सेहत बख्श ग़िज़ा के बारे में बखूबी समझ आ गया होगा। अब इस लेक्चर के दूसरे हिस्से यानी अनबैलेंस्ड डाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसी ग़िज़ाएं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी ना हो, गैर सेहत बख्श ग़िज़ाएं कहलाती हैं। सेहत के लिए नुकसानदेह ग़िज़ाओं में चॉकलेट्स, टॉफियाँ और सोडे की बोतलें वगैरह शामिल हैं। शक्ल 1:19। इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बदहज़मी का बायस बनता है और ये हमारे दांतों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड डाइट के बारे में मालूम हो गया होगा। अब आप बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड डाइट के बारे में जान चुके हैं। आइए एक हेल्दी एंड अनहेल्दी सही सोचा। हम आज बैलेंस्ड डाइट, अनबैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। कौन सी खुराक अनहेल्दी है? जी तो बच्चों, क्या आपको ये वीडियो देखकर सेहत बख्श ग़िज़ा के बारे में बखूबी समझ आ गया होगा? यस। अब हम सेहत बख्श ग़िज़ा के बारे में एक सिमुलेशन या एजुकेशनल गेम देखते हैं। इनमें से कौन सी खुराक हेल्दी है? क्या वो अंडे हैं या केक है या वो कैंडी है? यस, अंडे हेल्दी है। वाओ,
इनमें से कौन सा अनहेल्दी है? क्या ये मुर्गी का गोश्त या मछली या डोनट है? यस, वेरी गुड, डोनट्स अनहेल्दी होते हैं। इनमें से कौन सा हेल्दी है? क्या ये लॉलीपॉप या गोश्त या चिप्स है? यस, यू डिड अ ग्रेट जॉब, गोश्त हेल्दी है। वाओ, इट्स डन। इनमें से कौन सा अनहेल्दी है? क्या ये पनीर या आलू के चिप्स हैं या फिर दही? यस, वेरी नाइस, आलू के चिप्स अनहेल्दी हैं। इनमें से कौन सा हेल्दी है? सूप? क्या ये चॉकलेट या पिज्जा? ओह यस, आपने कमाल कर दिया, सूप हेल्दी है। वाओ, इट्स डन। इनमें से कौन सा अनहेल्दी है? क्या ये दूध है, माल्टे का जूस है या कोक? यस, कोक अनहेल्दी है। इनमें से कौन सा हेल्दी है? चाय या शिकंजवी या कॉफी? यस, शिकंजवी हेल्दी है। गुड बाय, आपने कमाल कर दिया, वेरी गुड, आप हेल्दी और अनहेल्दी मलका और बादशाह हैं। आइए अब इस टॉपिक के बारे में सिमुलेशन या एजुकेशनल गेम को सॉल्व करते हैं। वेलकम टू माय प्लेट। फूड ग्रुप्स के बारे में आइए नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक गेम शुरू करते हैं। मेरी प्लेट फूड ग्रुप से बनी है। आप हर फूड ग्रुप में से खुराक को उठाकर एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाली प्लेट तैयार करें, जो सेहतमंद और मजबूत जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। कीवी इन फ्रूट, पीनट बटर इन प्रोटीन, टॉर्टिला इन ग्रेन, कैरेट इन वेजिटेबल, सीरियल इन ग्रेन, योगर्ट इन डेयरी, लो फैट मिल्क इन डेयरी, बैगल इन ग्रेन, बनाना इन फ्रूट, टोमेटो इन वेजिटेबल, स्पैगेटी इन ग्रेन, ब्रोकली इन वेजिटेबल, ब्रेड इन ग्रेन, राइस इन ग्रेन, चिकन इन प्रोटीन, चीज इन डेयरी। शाबाश, आपने बहुत अच्छी प्लेट तैयार की है। आइए एक और सिमुलेशन देखते हैं। फ्लश द अनहेल्दी फूड। सोडा, बिल्कुल ठीक। ऑरेंज जूस, अंगूर, हॉट डॉग, बिल्कुल सही। चीज, अंडा, चॉकलेट, बिल्कुल ठीक। अंडा, डोनट, वेरी राइट। फ्रेंच फ्राइज, बिल्कुल ठीक। आइसक्रीम, बिल्कुल दुरुस्त। दूध, बर्गर, बिल्कुल ठीक। आइसक्रीम, बिल्कुल ठीक। मक्खन, जबरदस्त, बिल्कुल सही। सीरियल, मछली, अरे नहीं, अब हम आज के लेक्चर के आखिरी हिस्से की जानिब चलते हैं। हमें रोजाना सैर करनी और खेलना कूदना चाहिए। ये आदत हमें तंदुरुस्त और तवाना रखती है। वर्जिश ना करने से हमारी हड्डियां और पट्टे कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बासानी नुकसान पहुंच सकता है।
شکل 1:20۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایکسرسائز کے بہت سے فوائد ہیں، تو آئیے ویڈیو کے ذریعے ان فوائد کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ ورزش کے فائدے۔ پٹھوں کی اسٹرینتھ کو بڑھانے، فٹ ہونے اور اسٹریس کم کرنے میں ورزش کے فائدوں کی مثالیں ہیں۔ ورزش کے جسمانی فائدوں سے شروع کرتے ہیں۔ ورزش کے 3 بنیادی فائدے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، روزانہ ورزش کرنا آپ کی ہڈیوں، پٹھوں اور جوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 2، ورزش آپ کی فوکس اور یاد کرنے کی سکلز کو بڑھاتی ہے۔ اور فائنلی، ورزش موذی بیماریوں جیسا کہ کینسر، Type 2 ڈائبٹیز کی ہونے کے رسک کو کم کرتی ہے۔ ورزش کے دماغی فائدے۔ روزانہ ورزش کرنے کے 3 دماغی فائدے ہیں۔ کیا آپ سٹریسڈ، اینکشیس اور دکھی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ورزش سٹریس، ڈپریشن اور انگزائٹی سے بچاتی ہے؟ تو آج سے ورزش کرنا شروع کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ایکسرسائز کے فائدے معلوم ہو گئے ہوں گے۔ چلیے اب ایک کوئز سیکشن کی جانب چلتے ہیں اور کچھ سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دیں۔ تو بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے لیکچر سے ہیلدی باڈی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔